नमस्कार, मैं नेहल, एमपी न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश नगरीय चुनाव के लिए जारी नामांकन दाखिल प्रक्रिया के तहत अब तक महापौर पद के लिए 10 लोगों ने नामांकन निर्देशन पत्र जमा किए हैं। इसी तरह पार्षद पद के लिए कुल 2313 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। महापौर पद के लिए नगर पालिका निगम इंदौर में 4, जबलपुर, कटनी, उज्जैन, देवास, रीवा में 1-1 नामांकन पत्र जमा हुआ है। 11 जून से निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है और नामांकन भरने की आखिरी तारीख 18 जून निर्धारित है। महापौर के नामों को पर संशय खत्म होने के बाद अब पार्षदों की बारी आई है। नॉमिनेशन भरने के लिए आखिरी दो से तीन दिन शेष हैं और आज शाम या कल तक कभी भी दोनों ही पार्टी के पार्षदों की लिस्ट जारी हो सकती है, जहां पर सत्ताधारी बीजेपी में जिला चयन समिति प्रत्याशियों के बायोडाटा और नामों पर विचार कर रही है। वहीं कांग्रेस भी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बंगले पर लिस्ट को लेकर मंथन कर चुकी है। दोनों ही पार्टी के कार्यालयों पर दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। कोर ग्रुप की लंबी बैठकें चल रही हैं। सभी दावेदारों को पार्टी से टिकट मिलने का भरोसा है। अब देखना होगा कि पार्टी किसे टिकट देती है और किसके भरोसे और सपने चूर होते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर मध्य प्रदेश में भोपाल में पकड़े जमात ए मुजाहिदीन जेएमबी के आतंकी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने फिर छापेमार कार्रवाई की है। एनआईए ने बुधवार 15 जून को मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने इन जगहों पर कई लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 जगहों पर, बिहार के कटिहार में 1 और यूपी के सहारनपुर में 1 जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन जमात ए मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ करने के लिए की गई है। इसी साल मार्च में 3 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों सहित जेएमबी के 6 सक्रिय सदस्यों को भोपाल के एक घर से गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए आतंकियों पर जेएमबी की विचारधारा का प्रचार करने और कमजोर युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए प्रेरित करने जैसे आरोप शामिल हैं। बुधवार को एनआईए के छापेमारी में मोबाइल, डिजिटल उपकरण, फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, बैंक खाते का विवरण, आपत्तिजनक दस्तावेज और जिहादी साहित्य जब्त किए गए हैं। इस मामले में आगे भी जांच जारी है। बात करेंगे अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना में बड़ी धोखाधड़ी की थी। धोखाधड़ी करने वाले 18 निजी अस्पतालों पर विभागीय गाज गिरी है। जानकारी के अनुसार 47 अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की थी। कार्रवाई में मरीजों के इलाज से जुड़े तमाम दस्तावेज जब्त किए गए हैं और 18 अस्पतालों को सूची से हटा दिया गया है, जिसमें 25 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। बता दें कि सामान्य बीमारी को महंगे पैकेज की दर से रजिस्टर कर सरकार से अधिक राशि का क्लेम करने की जानकारी मिली थी और वहीं फर्जी मरीज भर्ती कर उनके नाम से पैसा निकालना, अनावश्यक रूप से आईसीयू और एचडीयू वार्ड में भर्ती कराने जैसी अनेक शिकायतें मिली थी। बात करें अगली खबर की, जहाँ कुछ दिनों में देश में पेट्रोल पंप के ड्राई होने की खबर आ रही है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई है। एक तरफ जहां पेट्रोलियम डीलर्स का दावा है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल 1/4 तेल ही उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कई पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं। इससे पेट्रोल पंप मालिकों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों ने सरकार से तेल की सप्लाई सामान्य करवाने की मांग की है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह का कहना है कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की सप्लाई 40% तक कम कर दी है। इस वजह से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बात करें अगली खबर की, जो नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर देश भर में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और राजभवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में भी ईडी की पूछताछ और कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात करें तो महापौर टिकट को लेकर भी कांग्रेस में एक राय नहीं बन पा रही है। पार्टी में गुटबाजी के चलते कई नगर निगमों में महापौर और पार्षद के नामों की अधिकृत घोषणा नहीं हो पाई है। रतलाम में नगर निगम में भी महापौर प्रत्याशियों के नाम को लेकर पेच फंसा हुआ है। संभवत कांग्रेस आज रतलाम सीट के महापौर प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। रतलाम सीट के चेहरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बता दें, रतलाम में महापौर
पद के टिकट के लिए युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट और सीनियर पार्षद राजीव रावत को के नामों को लेकर चर्चा है और शाम तक नाम को लेकर आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। इधर बीजेपी ने कल ही प्रहलाद पटेल का नाम रतलाम से महापौर प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया है। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार खत्म हुआ है। मानसून की एंट्री गुरुवार को खंडवा बैतूल के रास्ते हो चुकी है। इसी के साथ भोपाल इंदौर और उज्जैन में बादल छा गए हैं। शाम तक कई जिलों में मानसून की पहली बारिश हो सकती है। मानसून आते ही बैतूल भिंड में 1.5-1.5 इंच और मंदसौर और खंडवा में 1-1 इंच, ग्वालियर दतिया सीहोर व विदिशा में 0.5-1.5 इंच बारिश हुई। शिवपुरी नर्मदापुरम रायसेन और पचमढ़ी में भी बारिश हुई है। पचमढ़ी में करीब 1 इंच पानी गिरा। भोपाल और इंदौर में भी अगले 72 घंटे में मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अभी अरब से आने वाला मानसून बैतूल और खंडवा में ही सक्रिय है। यह शुक्रवार को आगे बढ़ सकता है। इसके 48 घंटे के अंदर ही यह इंदौर में पहुंच सकता है और भोपाल में मानसून की एंट्री 20 जून के आसपास हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से जबलपुर के रास्ते मानसून की एंट्री शुक्रवार को हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।